टू है ना तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट में कोई डाउट है अगर किसी को कोई डाउट है दैट नंबर 29 निकालो नहीं कि निकालना वर्कशीट वर्कशीट टू में किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो अभी बच्चों आदर्श बोल रहा है नो no प्रॉब्लम और बाकी बच्चे किसी को कोई डाउट है पूछो वर्कशीट टू तक मेरे थ्री बी के प्यारे बच्चों तूस्थ क्वेश्चन में डाउट है बोल रहा नो प्रॉब्लम सत्यम नो प्रॉब्लम चलो तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वर्कशीट थ्री अब हम लोगों ने देखो हम लोगों ने सबसेक्शन स्टार्ट किया था सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा रीग्रुपिंग के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो सत्यम चलो बच्चों सभी बच्चे आप, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करो म्यूट योरसेल्फ एवरेज स्टूडेंट म्यूट योरसेल्फ चलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वर्कशीट कल हम लोग ने देखा था चलो अब मैंने म्यूट कर दिया जब जरूरत होगा तुम लोग बीच में मैसेज करोगे अगर जहाँ पर तुम लोग को अगर कुछ डाउट होगा या कुछ भी तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था सबसे के बारे में और कल हम लोगों ने वर्कशीट टू भी कंप्लीट किया उसको देखा हम लोगों ने और क्या देखा वहां पर हम लोगों ने देखा कि पहला जो मूल मंत्र था सबसे का कि बड़े लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर घटता है पक्की बात क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था दस डायरी मिल का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कितने बच्चों दस डायरी मिल का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब एक बच्चा उसमें से फोर डायरी मिल खा जाता है तो कितना बचता है बचता है तो क्या हम लोगों ने किया था Subsection किया था उसी तरह से जो सबसेक्शन को हम लोग फोर डिजिट नंबर पर कर हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग को देख रहे थे और एक और चीज जब मैंने ये बात बताया था आप लोगों को बता रखा है कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर घटता कभी भी स्मॉलर नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता है कभी इट मीन्स कि थ्री में से सेवन नहीं घटेगा सेवन में से थ्री कटेगा लेकिन थ्री में से सेवन नहीं घटता है कभी उसके लिए क्या करते हैं बगल वाले प्लेस से बोलते हैं कि भैया मुझे एक दो मैं उसको अपने करेंसी में उसको भंजा लूंगा कहने का मतलब क्या अगर सौ का नोट देगा अगर सपोज करो कि आपके पास एक एक का सिक्का है ठीक है एक एक का सिक्का है आपके पास दो टेन रुपीज का नोट है दो टेन रुपीस का नोट है एक आपने उठा के किसी बच्चे को दिया उसके पास सिर्फ वन रुपीज का कॉइन है तो वो क्या करेगा अगर आपने एक रुपीस का नोट उसको दिया तो आपके पास तो अब एक टेन बचेगा एक, एक रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे दस हो जाएंगे क्या बच्चों एक टेन रुपीज के नोट के बदले दस हो जाएंगे उसी तरह से अगर मान लो एक बच्चा है उसके पास सिर्फ टेन रुपीज का नोट है उसके पास टेन रुपीज का नोट है और एक बच्चा है उसके पास हंड्रेड उसके पास थ्री हंड्रेड हंड्रेड के नोट है तो एक उसने टेन रुपीज वाले को दे दिया तो अब उसके पास दो हंड्रेड वाले नोट बचे मिस टू हंड्रेड बचा उसके पास और जब एक हंड्रेड जब टेन वाले को दिया तो टेन वाला क्या किया उसको उसको चेंज कर दिया टेन में तो बताओ एक हंड्रेड में कितने दस रुपए होते हैं वन हंड्रेड रुपीज नोट इज इक्वल टू टेन रुपीज नोट दस दस के दस नोट होंगे तब एक हंड्रेड बनेगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल सीखा था आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ठीक है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ठीक है एक बेसिक सा क्वेश्चन जैसे अगर फेर आप लोग फेयर कॉपी में लिखोगे फेयर कॉपी में आप सभी लोग लिखोगे आज का डेट डालो सारे लोग डेट टॉपिक लगाओ आज का सबसेक्शन ब्रैकेट में विथ रीग्रुप रीग्रुप के बारे में बारे में हम लोग कैरी ओवर के बारे में हम लोगों ने देखा रीग्रुपिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कैसे बगल वाला डिजिट से एक जा रहा था लेकिन दस हो जा सर डाल दिए हाँ ठीक है सत्यम वेरी गुड चलो हम लोग बस एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कुछ समझते हैं इसको कल हम लोगों ने पढ़ रखा है अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर कॉपी में लिखोगे अभी मैं कोई वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ उसी के माध्यम से फिर हम लोग वर्कशीट थ्री देखेंगे सपोज Suppose...

बना के आंसर टाइप करता है जल्दी से सत्यम ने टाइप किया आंसर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर चलो बाकी बच्चे कहा हैं सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करके करना है टाइप सॉल्व करो उसके बाद जल्दी से खट 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 कट, जल्दी से मैसेज टाइप करो जल्दी बताओ जल्दी से बताओ बच्चों आंसर प्रियंशी प्रिया युवराज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर सत्या प्रताप सिंह तनुष का भी आ गया और कहा है बाकी बच्चे कहा हैं बाकी बच्चे कहा हैं जल्दी से मैसेज टाइप करो आई हैव है राज बेटा यू हैव हैवन द आंसर टाइप द आंसर शाह नदीप ने बनाया है चलो बच्चों अब हम लोग इसको समझते हैं एक बार ठीक है <coughs> कल वाला रिकैप भी हो जाएगा और ये वर्कशीट इस तरह से वर्कशीट थ्री भी मैं होमवर्क भी दे दूंगा आगे ठीक है इसको देखो समृद्धि का भी आ गया आंसर सौर्या राज ठीक है बच्चो देखो इधर अब मैसेज कोई नहीं टाइप करेगा देखो इधर ध्यान से देखो आता है अच्छी बात है हम लोग आगे देखते हैं इसको बच्चे मैंने बताया था यहां पर देखो यहां पर चार कॉलम है यहां पर फोर डिजिट का नंबर है तो क्या फोर डिजिट का प्लेस होगा क्या जितने प्लेस जितने डिजिट हैं क्या उतने प्लेस होते हैं क्या यस और नो वेरी गुड यस होता है अब देखो चार कॉलम है चार नंबर है तो चार कॉलम वंस वाला कॉलम टेंस वाला कॉलम हंड्रेड्स वाला कॉलम और थाउजेंड्स वाला कॉलम तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वंस वाले कॉलम से वंस में देखो पहले जीरो है और फिर सिक्स है क्या जीरो में से सिक्स घटेगा बिल्कुल सही बच्चों नहीं घटेगा क्यों अगर मैं कारण पूछूं क्यों बिल्कुल सही ये जो है जीरो छोटा नंबर है क्या है छोटा नंबर है सिक्स से छोटा है तो कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता है है ना तो क्या करेंगे जीरो में से छह तो घटे से रहा अगर अच्छा देखो अब बगल वाले घर में देखो टेंस वाले कॉलम में देखो टेंस वाले घर में यहां पे भी जीरो है कोई कोई भी नंबर वहां पर नहीं है तो क्या करेंगे आप बगल वाले से देखते हैं तो बगल वाले भी हंड्रेड्स वाले में भी कोई नंबर यहाँ पर नहीं है फाइनली थाउजेंड वाले कॉलम में सिक्स लिखा है तो सिक्स वाले से क्या करेंगे बच्चों सिक्स वाले से क्या करेंगे एक कैरी लेते हैं और बगल वाले में इसको पुट करते हैं तो सिक्स का ये क्या हो जाएगा बच्चों सिक्स का ये क्या फाइव हो जाएगा क्या सिक्स का क्या ये फाइव हो जाएगा सिक्स का फाइव हो जाएगा और एक कैरी ओवर यहां पर हंड्रेड वाले में जाएगा क्यों क्योंकि कारण देखो देखो पहले तो थाउजेंड का नोट चला करता था अब तो नहीं चलता है लेकिन देखो एक थाउजेंड वाले नोट को जब हम एक्सचेंज कराते जब उसको हम लोग एक्सचेंज करते थे तो दस सौ सौ का नोट मिलता था कितने बच्चों दस सौ सौ का नोट मिलता था है ना इसका मतलब कि क्या एक थाउजेंड वाला नोट का मतलब मतलब एक डिजिट थाउजेंड पर जो लिखा हुआ है एक थाउजेंड का मतलब क्या दस हंड्रेड होता है क्या नहीं या सौ नो होता है ना बिल्कुल सही यहां पर इट्स मेन हम लोग देखो एक थाउजेंड वन थाउजेंड इज इक्वल टू टेन हंड्रेड होता है पक्की बात होता है ना एक थाउजेंड इक्वल टू हंड्रेड टेन हंड्रेड होता है तो क्या किए छे से हम इसको फाइव बना दिए और एक हम हंड्रेड वाले को दिया और जैसे ही हंड्रेड वाले को दिए तो एक जाके क्या बन गया किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों दस में दस हंड्रेड में कन्वर्ट हो गया तो चलो यहाँ पर टेन लिख देते हैं हम लोग चलो यहाँ पे टेन लिख देते हैं ठीक है अब देखो टेंस वाला बोल रहा है कि भैया तुम तो ले लिए मेरे पास तो कुछ नहीं अब मुझे भी तो दे दो तो क्या हुआ यहाँ पर हंड्रेड जो था टेन इसको हम लोग कर दिए नाइन और बगल वाले को एक दे दिए तो हम लोग कल फिर भी पढ़े थे फिर से कि तुम अगर एक हंड्रेड रुपीज वाले नोट अगर किसी को दो और दस का नोट अगर देगा तो वो दस दस का दस नोट देगा दस रुपए का दस नोट देगा एक सौ रुपए का अगर नोट दोगे एक अगर हंड्रेड रुपीज का तुम अगर नोट दोगे तो वो टेन रुपीज का कितना नोट देगा बच्चों दस नोट देगा तो यहां किए टें टेंस वाले प्लेस पर यहां से एक जाएगा वहां और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक हंड्रेड इज इक्वल टू टेन टेंस तो क्या हो जाएगा यहां पर टेन लिख देते हैं हम लोग ठीक है अब वंस वाला बोल रहा है कि तुम तो ले लिए मुझे भी चाहिए तो क्या होगा अब क्या होगा फिर से ये टेन को काट के हम लोग इसको नाइन लिख देंगे और एक हम उसको वंस को दे देंगे क्यों क्योंकि हम फिर से जानते हैं कि वन टेंस इज इक्वल टू टेन वंस वन टेंस इज इक्वल टू टेन वंस एक अगर दस रुपए का तुम अगर नोट दोगे किसी को तो तुमको एक रुपए का कितने सिक्का देगा रुपये का तुमको कितना क्वाइन देगा टेन क्वाइन देगा क्लियर है तो यहां पर नाइन से टेन हो गया तो एक इसको देगा एक कितना बन जाएगा ये? टेन बन जाएगा जाएगा ये क्या आदित्य समझ में आ रहा है ठीक है आदित्य अच्छी बात है सबको वोट विजिबल है ना दिख रहा है ना ये रेड पेन रेड पेन से जो लिखा हुआ रेड मार्कर से जो लिखा जा रहा है वो क्लियर है ना दिख रहा है ना सबको रेड मार्कर से जो लिख रहे हैं वो क्लियर है ना सबको दिख रहा है क्या दिख रहा है ना सबको रेड वाला रेड मार्कर वाला सबको दिख रहा है ना अच्छे से युवराज यस, ठीक है श्याना देव ओके चलो अब देखो अब जो है अब देखो हमेशा बड़े में से छोटा घटता है तो अब छोटा तो कोई रहा नहीं अब क्या हो गया वंश का कॉलम देखो वंश वाले घर में टेन में से सिक्स जाएगा टेन में से सिक्स चला गया तो कितना बता फोर तो लिख दो यहाँ पर फोर अब यहां पर देखो टें वाले प्लेस में टोटल यहाँ पर क्या हो गया नाइन क्या लिखा हुआ नाइन और नाइन में से फोर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों फोर फिर से देखो नाइन में से फोर जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइव और फाइव में से टू जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों फाइव में से टू जाएगा तो थ्री तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर क्या हो जाएगा क्या ये आंसर समझ में आई ये तो इस तरह से 3544 सही आंसर होगा करेक्ट आंसर इज 3544। क्लियर है ये बच्चों सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है चलो अब तुम लोग ट्राई करोगे तुम लोग अब ट्राई करोगे अभी तुम लोग क्लास में करोगे अभी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर वन करोगे अभी तुम लोग क्लास वर करोगे वर्कशीट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन तनुष बोला यस सर ठीक है तनुष सारे बच्चे मेरे थ्री बी के सारे प्यारे बच्चे क्लास में अभी तुम लोग करोगे वर्कशीट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से करो और जल्दी से मैसेज टाइप करके बताओ जल्दी से देखते हैं कौन कौन से कॉपी में आदर्श फेयर कॉपी में बेटा फेयर कॉपी में लिखना है ये सब ये सब ये सब फेयर कॉपी में लिखना है बेटा फेयर कॉपी में करो और सारा ये जो ट्राई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ साइड में रफ कॉपी भी रखो रफ कॉपी में ट्राई करो और फिर मैं जब यहाँ पे बताता हूँ तो उसको कॉपी कर लेना ये सारा रफ कॉपी में करो और जो अभी मैंने अभी बोला वर्कशीट थ्री का क्वेश्चन वन बनाने के लिए वो तुम लोग रफ कॉपी में ट्राई करो अभी रफ कॉपी में ट्राई करो और मुझे आंसर टाइप करके बताओ कितना आएगा जल्दी सारे बच्चे ट्राई करेंगे मैं सभी को टू मिनट्स दे रहा हूँ जल्दी करो ट्राई करो जल्दी 2019 आदित्य राज का आंसर आया है और अमरनाथ कुमार 2019 हम्म आंसर को कोई कॉपी नहीं करेगा खुद से पहले सब लोग ट्राई करो हो सकता है कोई एक बनाए उसका मिस्टेक हो कुछ इसलिए खुद से सारे लोग ट्राई करो पहले अच्छे से खुद से ट्राई करो रफ कॉपी में तनुष का आंसर आया 2019 चलो बाकी बच्चे कहाँ हैं बाकी बच्चे का नहीं आ रहा मैसेज जल्दी टाइप करो बेटा जल्दी प्यारे प्यारे बच्चे थ्री बी के जल्दी करो टाइप प्रियांशी कुमारी 2019 युवराज रॉकी कुमार सौर्या राजर्या रुद्र प्रताप सिंह 2019 सत्यम चलो बच्चों मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ ठीक है श्यानादेव देव आदर्श चलो वर्कशीट थ्री क्वेश्चन नंबर वन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी वन चलो इसको सबसे करना है चलो देखो बच्चों फिर से सेम केस छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता है तो यहां पे वंथ वाले कॉलम में भी जीरो है टेंस वाले कॉलम में भी जीरो है हंड्रेड वाले कॉलम में भी जीरो है और थाउजेंड वाले कॉलम में तो थ्री है ठीक है तो अब थाउजेंड वाले से बगल वाले घर में यानी कि हंड्रेड वाले घर में हम एक थाउजेंड को भेजेंगे और पता है कि एक थाउजेंड टेन हंड्रेड बन के जाता है चल इससे नेक्स्ट पेज क्या नेक्स्ट पेज क्या तनुष मैं क्वेश्चन नंबर वन बता रहा हूं उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेक्शन पे ठीक है ठीक है तनुष मैं एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेक्शन पे आ रहा हूँ और फिर वर्कशीट सिक्स स्टार्ट करूंगा चलो देखो तो ये कटेगा यहां पे लिख दो टू और एक यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन अब टेंस की जगह पर कुछ नहीं है जीरो है तो यहां से ये कटा ये कटा और यहां पर क्या आ गया नाइन और उसी तरह से फिर यहां पर एक हटके यहाँ पे एक आ गया टेंस वाले जगह पे तो ये टेन आ गया और इस तरह से ये क्या आ गया नाइन और फिर फाइनली यहां पर टेन आ गया वंस की जगह पे क्लियर है अब देखो टेन में से वन जाएगा नाइन नाइन में से एट जाएगा वन और नाइन में से नाइन जाएगा जीरो टू और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब जीरो एक तरह से तो टू में से कुछ नहीं जा रहा है तो टू का टू ही रह जाएगा तो करेक्ट आंसर नाइनटीन क्या क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों सबको क्या क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है सबको क्या ये वर्कशीट थ्री क्लियर है सबको वर्कशीट थ्री हो जाएगा वर्कशीट थ्री हो जाएगा सभी से वर्कशीट थ्री हो जाएगा तनुष यस सर रुद्र प्रताप यस सर रॉकी चलो तो वर्कशीट थ्री अभी तक अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अभी तक का होमवर्क है तुम्हारा वर्कशीट थ्री अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्कशीट फोर पे वर्कशीट फोर पे आते हैं उसके लिए मैं कुछ बताता हूँ चेक करने के लिए ठीक है चलिए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं हम लोग आते हैं टेक योर आंसर चेक योर आंसर सेक्शन चेक योर आंसर अब देखो क्वेश्चन नंबर वन देखो वर्कशीट फोर वर्कशीट फोर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स इन ईच क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑल्सो चेक योर आंसर तो कॉलन में अरेंज करना है जैसे हम लोग वर्कशीट थ्री तक करते हैं उसी तरह से कॉलन में अरेंज करना है और फिर फाइनली हम लोग आंसर चेक करना है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर वन करो जल्दी से सारे लोग क्वेश्चन नंबर वन करो जैसे सब्जेक्ट करते वैसे सब्जेक्ट करो रफ कॉपी में सब्जेक्ट करो वर्कशीट फोर क्वेश्चन नंबर वन सब्जेक्ट करो जल्दी से सब्जेक्ट करके बताओ क्या आएगा चेक करेंगे टी एच एच टी और ओ ठीक है यहां पर है पहले बॉक्स बना देते हैं हम लोग टू फाइव थ्री टू सिक्स सेवन एट माइनस ठीक है सेपरेट कर लिए बच्चों देखो चलो देखो बच्चों थ्री में से एट तो जाएगा नहीं आदित्य राज का आया है चलो थ्री में से एट नहीं जाएगा क्योंकि थ्री छोटा है फाइव में से सेवन नहीं जाएगा क्योंकि फाइव छोटा है टू में से सिक्स नहीं है टू छोटा है तो क्या करेंगे पहले पहले हम लोग सिक्स को हटाएंगे और यहां पर क्या लिख दें फाइव लिख देते हैं इसको एक यहां पर हंड्रेड वाले प्लेस में चला जाएगा तो एक थाउजेंड टेन हंड्रेड के बराबर तो हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब देखो अब यहाँ पे टेंस वाला भी छोटा है तो की तरफ भी जाएगा तो यहां से इसको काटो यहाँ पे नाइन लिखो और यहाँ पे आ जाएगा क्या टेन आ जाएगा टेन को भी काटो नाइन लिखो यहाँ पर और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा ठीक है अब देखो बच्चों ये अगर एक साथ इसको देखो यहां पर तो टेन प्लस थ्री हो जाएगा ना ये टेन और प्लस थ्री एक साथ इसको एक साथ थ्री ग्रुपिंग कर लो तो टेन प्लस थ्री टेन प्लस थ्री क्या हो जाएगा थर्टीन और थर्टीन में से एट जाएगा तो कितना बचेगा फाइव बचेगा क्या फाइव बचेगा क्या, 5 बचेगा क्या? फाइव हो जाएगा थर्टीन में से एट जाएगा तो फाइव हो जाएगा अब देखो यहां नाइन प्लस फाइव फोर्टीन और फोर्टीन में से सेवन जाएगा तो क्या हो जाएगा सेवन अब यहां देखो नाइन प्लस टू इलेवन और इलेवन में से सिक्स जाएगा तो फाइव और फाइव है यहाँ फाइव में से टू जाएगा तो थ्री तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आंसर है क्या वो आदित क्या बोलना चाह रहे हो होवन फाइव है हाँ ठीक है थ्री फाइव सेवन फाइव ठीक है सत्यम ठीक है चलो देखो इस तरह से सब्जेक्ट हम लोग पहले कर लिए अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग जब क्लास फोर में जाओगे तब सीखोगे क्लास फोर में जाओगे तब सीखोगे कुछ टर्मोलॉजी है उसको हम लोग जान लेते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है थ्री में जानने से जो जैसे दो नंबर जब घटाते हैं जो बड़ा वाला जिसमें से घटा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों देखो ध्यान से इस वाले को हम लोग बोलते हैं मेन यू एंड एंड बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रैप सेप्टर से ठीक है और इस तरह से फाइनली जो रिजल्ट आता है जो घटा के हम लोग डिफरेंस मिलता है इसको डिफरेंस हम बोलते हैं। बस ये जानकारी के लिए इसको जान लो जिस जिसमें से घटा रहे हैं जो बड़ा नंबर है जिसमें से हम लोग घटा रहे हैं उसको मिन यू एंड क्या पढ़ेंगे पहले मिन पढ़ेंगे मिन End. Men end. Men end. Men end और से पढ़ेंगे hand. Hand. Hand उसको जिसको घटा रहे हैं हम लोग और फाइनली जो रिजल्ट आता है सबसे में उसको बोलते हैं डिफरेंस ठीक है तो देखो बच्चो अब चेक कैसे करेंगे चेक के लिए क्या करेंगे हम लोग चेक के लिए क्या करेंगे कि अगर देखो अगर हम लोग का रिजल्ट सही है अगर हम लोग का रिजल्ट सही है देखो कल मैंने बताया था कि टॉफी था, इंसा जफर हाँ टेन टॉफी था बच्चों टॉफी था और उसमें से फोर खा, वो बच्चा खा गया था और छह बचा था ठीक है सिक्स बचा था तो सिक्स डिफरेंस था तो फोर को और सिक्स को अगर ऐड करेंगे जो खाया गया टॉफी और जो बच गया टॉफी उसको अगर ऐड करेंगे तो क्या वो पहले जितना टोटल टॉफी था उतना आ जाता है ना टेन आ जाता है ना तो इसी तरह से चेक किया जाता है कैसे इस वाले को जो घटाया गया है और जो फाइनली आंसर है अगर दोनों को ऐड करेंगे वो मेन्यू एंड के बराबर आना चाहिए जो ऊपर वाला जो है ना उसके बराबर आना चाहिए तो चेक कैसे करेंगे चेक कर लेंगे ऐड कर लेंगे इसको किसको किसको इसको लिख लो टू सिक्स सेवन एट और थ्री फाइव सेवन फाइव इसको ऐड करके बताओ तो बच्चों कितना आ रहा है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से हमको ऐड करके बताओ तो जल्दी से ऐड करके बताओ क्या आएगा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर जल्दी से टाइप करके बताओ तो सारे बच्चे और वीडियो ऑन रखेंगे सारे लोग सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे जल्दी से टाइप करके बताओ बच्चों क्या आया दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ बच्चों सारे लोग जल्दी से सिक्स टू फाइव थ्री सत्यम सिक्स थ्री सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री वेरी गुड तनुष का भी आ गया ठीक है देखो इस तरह से यहां पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सिक्स टू फाइव थ्री इस तरह से जो अब हम लोग ऐड करेंगे तो पर मिल जाएगा सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री फाइनली ये तो इसका अगर तुम इसको, इसको देखो, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिया लिया था जिसको हम हम लोग घटा रहे हैं difference को हम लोगों ने लिया था तो इसको अगर ये दोनों को हम लोग मतलब सेप्टर इसको बोलते हैं जिसमें से घटा रहे उसको मिन यू एंड मिन यू एंड इसको सेप्टर जो डिफरेंस आता है उसको डिफरेंस हम लोग बोलते हैं जो घटा के आता है तो जिसको घटा रहे हैं हैंड इसको और जो आंसर आया था डिफरेंस आया था इसको जब दोनों का अगर जोड़ेंगे तो वो ऊपर वाले जिसमें से घटा रहे हैं जिसको बोलते हैं मेन एंड भी बोलते हैं तो बराबर आ जाएगा और ये अगर सही आ रहा है इसके बराबर इसका मीन्स डेट मीन्स कि आपका जो आंसर है यहाँ पर डिफरेंस जो है बिल्कुल सही है यहाँ पर डिफरेंस जो लाया हुआ है बिल्कुल सही है क्या क्लियर है इतना क्या क्लियर है बच्चों यहां तक क्या बच्चों क्लियर है यहाँ तक क्या बच्चों क्लियर है यहाँ तक सभी को यहां तक सबको क्लियर है वर्कशीट फोर तक सबको क्लियर है तो वर्कशीट फोर ऐसे ही बनाना है सारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन मैंने बता दिया है इस तरह से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारा बन जाएगा तुस्के सर ठीक है होमवर्क देख लो होमवर्क लिख लो डू वर्कशीट थ्री एंड फोर ऑफ चैप्टर थ्री इन पेर नोटबुक ठीक है और जिसका भी नोटबुक अभी तक कंप्लीट नहीं है सारा नोटबुक कंप्लीट कर लोगे जहां तक पढ़ाया जा चुका है चैप्टर थ्री का वर्कशीट फोर तक कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है तो आप सभी लोग अपना नोटबुक कंप्लीट कर लोगे कंप्लीट कंप्लीट योर नोटबुक क्लियर है बच्चों होमवर्क देख लो होमवर्क सबको विजिबल है ना क्लियर है ना होमवर्क होमवर्क दिख रहा है होमवर्क दिख रहा है सबको होमवर्क देखो डू वर्कशीट थ्री एंड फोर ऑफ चैप्टर थ्री इन फेयर नोटबुक कंप्लीट योर नोटबुक जो नहीं किया है सर कर लिया सत्यम ठीक है होमवर्क देख लो डू वर्कशीट थ्री एंड फोर ऑफ चैप्टर थ्री इन फेयर नोटबुक और जिसका भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लोगे अभी तक ठीक है थ्री बी के सारे बच्चों सभी को बाबा है बाबा है फिर मिलेंगे या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन ठीक है खेल देन सभी को बब बाय ठीक है बाय बच्चों